सावन के पावन पवित्र महीने में सोने से पहले इस जगह पर घर पर एक लोटा जल जरूर रख देना। पूरे परिवार के रोग, कर्ज, गरीबी, दुख, तकलीफ मिट जाएगी और पूरा परिवार एक अद्भुत तरह के सुख की अनुभूति करेगा। आप जानते होंगे ब्रह्मांड में अग्नि तत्व, वायु तत्व और जल तत्व कहा गया है, जिसमें वायु तत्व और अग्नि तत्व को बैलेंस न कर पाने के कारण घर में अगर एक लोटा जल सही विधान से प्रयोग कर लिया जाए तो सभी वास्तु संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। मेरे गुरुजी कहते हैं एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। शिवलिंग पर तो आप चढ़ाते ही होंगे, सामान्य सी बात है। हमारे गुरुजी ने यह भली भांति हम सभी को बता दिया है, परंतु घर में सोने से पहले इस स्थान पर एक लोटा जल का नियम जो बना लेता है वह सावन महीने में ही अपने घर को सभी रोग, दोष, संकट, कष्ट, पीड़ा से मुक्त कर लेता है और अद्भुत सुखों की उसे प्राप्ति होती है। जीवन में हार रहे हैं तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, महादेव की शरण में चले जाइए। इन दिनों महादेव की दिव्य ऊर्जाएं ब्रह्मांड में प्रवाहित होती हैं, कष्ट संकट पीड़ा हरती है और खुशियों का आगमन करती हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट्स में आप भी लिख दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र से इन दिनों पूरा ब्रह्मांड जो है गूंज रहा है। हर तरफ महादेव की भक्ति में सभी शिव भक्त लीन हैं। शिव मंदिरों में लंबी लाइनें लगी हैं। सभी भक्त सोमवार, मंगला गौरी व्रत और महादेव से संबंधित सभी उपवास इत्यादि कर रहे हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत हैं और परम सुख दे रहे हैं। आप जानते होंगे हमारे गुरुजी ने हम सभी को आवश्यक रूप से छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति तक शिवलिंग पर जल चढ़ाने की विधि बताई है, नियम बताया है और इसका अद्भुत फल भी हम सभी से कहा है, जो कि हमारे के जीवन को प्रशस्त करने के लिए, सौभाग्य देने के लिए आवश्यक है। अभी तक आप नियमबद्ध तरीके से एक लोटा जल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाते हैं तो चढ़ाइए, इसका अद्भुत और श्रेष्ठ फल शास्त्रों में कहा गया है। परंतु घर में जो स्थान होते हैं, जैसे हमारे घर छोटे छोटे से हैं होने लगे हैं, कई बार जो है बिल्डर इत्यादि द्वारा बनाए गए जल जो है घर होते हैं उनमें वास्तु का कोई हिसाब नहीं होता है और सभी चीज़ें जो है अच्छी तरह से एकत्रित नहीं हो पाती हैं। ऐसे में जल के कई उपाय अर्थात पानी के कई तरह के उपाय प्रचलित हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत है। तो कैसे करना है ध्यान से सुनिए। आपको रात्रि को सोने से पहले आप सभी को अच्छी तरह से अपने रसोई घर, देखिए अन्नपूर्णा देवी का वास माना जाता है रसोई घर में, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो गुरुजी कहते हैं जब भी जो भी महिला होती है वह घर में भोजन बनाए तो सुंदर अपने मुख से माता की स्तुति करते हुए, भगवान के भजन चलाते हुए, मन में सुंदर भाव लाते हुए भोजन बनाए, क्योंकि जैसा आप भोजन में जैसे मसाले बुरकते हैं ना उसका स्वाद उसी तरह से होता है। ठीक उसी तरह से जैसे जैसे हम अपना जो है उसमें इफेक्ट छोड़ते हैं, कहने का अर्थ है उदास मन से भोजन बनाते हैं तो वह वैसा ही प्रभाव देता है। अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ भोजन बनाते हैं, भगवान का ध्यान भजन करते हुए सुंदर मन से अपने कर्मों का निर्वाह करते हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है हमारा भोजन। तो आप सभी को आवश्यक रूप से यह नियम बनाना है कि घर में रसोई में बड़े प्रेम पूर्वक आपको भोजन बनाना है और घर की साफ सफाई बहुत अच्छी तरह से सावन के महीने में रखनी है, क्योंकि महादेव आती हैं, धरती पर विचरण करते हैं माँ गौरा के साथ, प्रत्येक भक्त के घर जाते हैं, देखते हैं कि कैसी व्यवस्था है, किस तरह से बड़े बूढ़ों की सेवा हो रही है, महिलाओं का सम्मान हो रहा है, पुरुष जनों के लिए उनके सम्मान का ख्याल रखा जा रहा है। भले ही पूजा पाठ कर्म करें परंतु अपने जो कर्तव्य हैं, जो जीवन जीने के लिए महादेव को आपने जिस कार्य के लिए निर्धारित आपको कर रखा है उसे भली प्रकार से निभाएं। महादेव गृहस्थ हैं, वह अपने भक्त के अंदर सबसे पहले गृहस्थ जीवन में सब कार्य करने का गुण प्रदान करते हैं, उसके पश्चात ही वह अन्य करते हैं। महादेव के भक्त बनना चाहते हैं, उनसे गुण पाना चाहते हैं तो हमेशा गुरुजी ने कहा है हाल की ही कथा में, हमेशा गरीब निर्धन के लिए और अमीर व्यक्तियों के लिए एक जैसा व्यवहार करें। साथ ही गुरुजी ने कहा है हमेशा एक समान व्यवहार के साथ हमेशा मन में शीतलता, कोई गलत कह दे, कोई आपसे कहे कि यह गलत है या आप गलत कर रहे हैं, नहीं आपको नहीं बोलना है, चुप रहकर शीतल सच्चे भाव सच्चे मन से उसे सुनना है, समझना है, ईर्ष्या रहित आपको होना है, भगवान की भक्ति में निरंतर आपको प्रयासरत रहना है। महादेव के गुण पाना चाहते हैं, उनकी भक्ति को अपने जीवन में समाहित करना चाहते हैं तो महादेव जैसा व्यक्तित्व, जैसे महादेव भूत के भी हैं, भविष्य के भी हैं और वर्तमान के लिए भी हैं, वह किन्नर के भी हैं मेरे भोले बाबा,
साथ के साथ मेरे भोलेनाथ जो है राक्षस के भी हैं, दैत्यों के भी हैं, देवों के भी हैं, किन्नरों के लिए भी हैं और मानवों के लिए। तो उसी समय आपको यह सीख लेना चाहिए कि हमें सभी के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। यह गुण जिसके अंदर आ गए उस समझ लीजिए उसे महादेव को प्राप्त कर लिया है। तो एक तांबे का लोटा आपको लेना है उपाय को करने के लिए, रोज नियमबद्ध तरीके से। सबसे पहले और भी बताऊंगी जल के लोटे का प्रयोग, सबसे पहले आपको घर की रसोई साफ कर लेनी है। आप सभी को लेना है एक चावल का दाना, अधोगति में जो आपके पितृ गए हैं, किसी कारण से भूखे हैं, भटक रहे हैं, पितृ दोष लगा है, परिवार में सुख नहीं है, कर्ज बढ़ रहा है, धन की कमी है, संतान उत्पत्ति की दिक्कत है, हर तरफ से हार रहे हैं, तो आप सभी को एक पूर्ण अक्षत अर्थात चावल आपको लेना है और एक लोटा साफ स्वच्छ जल लेना है। रात्रि के समय जब आप अपने घर पर रसोई घर में जो कि पितरों का स्थान माँ अन्नपूर्णा का स्थान जाना जाता है, सबसे पहले अपने घर की रसोई को साफ करेंगे, उसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे, प्लेट के ऊपर एक पूर्ण चावल रखेंगे। आप सभी उसके पश्चात अपने पितृ देवताओं का स्मरण करेंगे और साथ के साथ आप सभी इस महीने का ध्यान करेंगे कि हे महादेव, जीवन में हार रहे हैं, पितरों को सुख प्रदान हो, मेरे परिवार के दोष मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए जल का लोटा रख लेंगे, उसके ऊपर चावल का दाना रखेंगे। इससे आपके जो घर के सभी दोष हैं उस जल के लोटे के अंदर चले जाएंगे। और जो एक चावल का दाना है ना, उसे सबसे पहले आपको जब सुबह के समय उठना है, महादेव का घर पर शिवलिंग है या महादेव के मंदिर में या कहीं भी बाहर जहाँ पर भी है, कहने का अर्थ है जहाँ पूजा करने जाते हैं, सबसे पहले तो वहाँ एक चावल का दाना आप समर्पित करेंगे। जल का लोटा आप अपने घर के दरवाजे पर ब्रह्म मुहूर्त में छिड़क देंगे। इससे बहुत सारे कष्ट, संकट, पीड़ा, दुख, दरिद्रता का अंत होगा और परिवार में सब सुख आपको मिलना आरंभ हो जाएंगे। तो आप सभी एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाएं नियमित रूप से और साथ के साथ इस उपाय को, जैसे रात्रि में मैंने जो बताया आपको, एक जल का लोटा घर के दरवाजे पर और एक चावल का दाना आप सभी को विशेष तौर पर शिवलिंग पर समर्पित करना है। जल का लोटा गुरुजी ने हमेशा ही कहा है मैं दरवाजे पर छिड़कना है, परंतु यह रसोई में रखा हुआ जल का लोटा अगर घर के दरवाजे पर आप छिड़केंगे ना, तो हजार गुना आपको फलों की प्राप्ति होगी। कोई रात्रि में जो अधोगति में आपके पितृ गए हुए हैं, किसी कारण से संकटग्रस्त हैं, उन्हें मुक्ति मिलेगी, आपके घर के दोष खत्म होंगे और शिवलोक में उन्हें स्थान प्राप्त होगा। तो यह कार्य आपको इस सावन महीने में नियम से कर लेना है, महिला पुरुष कोई भी करे परंतु कीजिएगा। साथ के साथ शिवलिंग पर जल का लोटा तो सामान्य बात है, हम चढ़ाते ही हैं। इन दिनों अपने घर की रसोई में, रसोई के साथ साथ अपने घर के मंदिर में, जो मंदिर होता है वहाँ दिव्य ऊर्जाएं हैं, आप जानते होंगे दिव्य शक्तियां हैं, नियमित पूजा से भगवान वहाँ वास कर रहे हैं, अभिमंत्रित है वह स्थान आपकी पूजा आराधना। तो एक लोटा जल घर के मंदिर में भी, दुकान इत्यादि है तो वहाँ तो सभी जन रखते ही हैं, तो उसे भी आप सभी घर के मंदिर में रखना जरूर से, अभी तक नहीं करते हैं इस कार्य को प्रारंभ करें, उसका घर के स्थान जो भी आपके पास है वहाँ पर छिड़काव जरूर से कीजिएगा। इस तरह से आप सभी को यह दो लोटा रखना है, एक घर के मंदिर में, एक अपने घर की रसोई में, नियमबद्ध तरीके से शिवलिंग में। तो सावन महीने में हमें जल चढ़ाना ही है और गुरुजी ने यह भी कहा है, आप जानते होंगे नियमित उनके उपाय सुनते हैं, दो लोटा जल आपको अपने हाथ में लेकर इस महीने कांवड़ जल का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाने का नियम बना लेना है। रोग कट जाएंगे, संकट कट जाएंगे और पीड़ा, दुख, दरिद्रता का अंत स्वयं ही होना आरंभ हो जाएगा। जल में एक ऐसी शक्ति है जो सब समस्याओं का हल कर देती है। तो इस तरह यह जानकारी थी, वीडियो उपयोगी रहते हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।